वीडियो नूं देखण वाले सारे स्रोतियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। अज आपां आए होए आ खेती विरासत मिशन दी स्टॉल ते जो कि लुधियाना वातावरण मेले दे विच लगाई गई आ। तुसीं देख रहे हो कि एक बीबी वालों जिहड़े पकौड़े बनाए जा रहे ने। दोस्तों, इह बेसन दे पकौड़े नहीं आ, इह मूल अनाजां तों तैयार कीते होए पकौड़े टिक्कियां ने जिहड़ियां कि पहली वार इत्थे अज आपां नूं देखण नूं मिलियां ने। खेती विरासत मिशन वालों इन्हां बीबियां नूं ट्रेनिंग दे के जिहड़ा मूल अनाजां नूं उत्साहित करन दे लई लोकां विच इन्हां बारे जागरूकता पैदा करन दे लई अज मेले दे विच स्टॉल लगाई गई आ। इन्हां अनाजां दे बहुत ज़्यादा फायदे ने जिहड़े कि अग्गे तुसीं वीडियो दे विच जाके सुणोगे। ते इह तुसीं मंचूरियन देख रहे हो, इह वी मूल अनाजां तों तैयार कीते गए। जिन्हां ने अजे चैनल सबसक्राइब नहीं कीता सबसक्राइब जरूर करियो ते वीडियो नूं पूरी जरूर देखियो। आओ जानते हैं मैडम रूपसी गर्ग तो मूल अनाजा बारे इन्हां दे की फायदे ने। धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं रूपसी गर्ग खेती विरासत मिशन जैतो फरीदकोट तो। अज सानू अपना काम सोच मेले दे विच रिप्रेजेंट करन दा मौका मिलिया। तो इत्थे साडे फूड स्टॉल भी हैं, लिटरेचर स्टॉल भी है, और उहदे नाल नाल जिहड़ा त्रिंजन दा काम हैगा जिहड़ा ऑरगैनिक कॉटन ओदी हाथ नाल कताई ते खड्डी ते बुनाई ओदा काम भी हैगा। ते अज कल असी देख रहे हैं साडे आस पास बीमारियां बहुत हो रही हैं, तरह तरह दे रोग लग रहे ने। ते एदे विच जिहड़े मिलेट्स हैं जिन्हां नूं आपां मूल अनाज भी कहिंदे हैं, जिहदे विच कंगनी, कोदरा, रागी, स्वांक, बाजरा, स्वांक, हरी कंगनी, इह सारे ही आ जांदे ने। ते इहदियां भी तुहानूं तरह तरह दियां डिशिज़ खाण नूं मिलणगियां। साडे इत्थे कटलेट बने ने, टिक्की बनी है, सूप बनया है मिलेट दा। तां इह डॉक्टर खादर वली और उमेंद्र दत्त जी काफ़ी टाइम तो प्रमोट कर रहे ने। पंजाब दे विच सिर्फ मिलेट्स दी कंजम्पशन नहीं पर इहदे नाल किसानां दे विच इहदी खेती नूं भी वधावा दित्ता जा रहा है, क्योंकि साडी खेती दे विच सिर्फ कणक ते चावल हुंदे हैं और कणक और चावल दे नाल साडे सूबे दे विच की हो रहा है सारिआं नूं पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी लग रहा है, बहुत ज़्यादा कैमिकल वरते जा रहे हैं। पर जिहड़े मिलेट हैंगे ने, मूल अनाज ने, इह पहलां अपनी खेती दे विच हुंदे सी। साडे बजुर्ग, साडे पूर्वज इह सारा अनाज खांदे सी। इहदी तरह तरह की रोटी, चावल, खीर, मिठाई काफ़ी कुछ बनता है, और इहदे विच बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व भी हुंदे ने जिहड़े साडे बॉडी नूं, साडे माइंड नूं एक बैलेंस दे विच रखदे ने। तां इहदी कल्टीवेशन नूं वधावा दित्ता जा रहा है ते उहदे नाल नाल जिहड़े कंज्यूमर हैगे हैं उहदे विच इहदी अवेयरनेस भी लियांदी जा रही है। और अगर असीं मिलेट्स नूं अपनी खेती दे विच ले के आने हां तां इहदे नाल पंजाब दा पानी भी बचेगा, और उहदे नाल ही इह बहुत घट क्या कि इहनूं कोई कैमिकल चाहिदा ही नहीं, ना कोई फर्टिलाइजर चाहिदा है, ना कोई पेस्टिसाइड चाहिदा है। तां जे असीं मिलेट्स दी खेती नूं वधावा देवांगे ऑरगैनिक फार्मिंग करके, तां साडे देश दे विच, साडे सूबे दे विच काफ़ी चीज़ा ठीक हो सकन गया। मैम, जिदा मिलेट नू लोग जान पहचान लग गए है ना, जिदा डॉक्टर खादर वाले जी का नाम लिया, तीन चार सालों तो KVMA कोशिशा कर रही है जिस नाल कि काफ़ी लोग है जो मिलेट यूज कर लग गए, पर उ लोग यूज कर रहे हैं जिन्होंने ज़्यादा कोई बीमारी है जो मोटापा घटाने लिए है ना, इदा के लोग यूज कर रहे हैं। थोड़े मुताबिक आम रूटीन के जिस तरह आप दूसरे अनाज खाने इस तरह भी मिलेट नू लोग अपनाएंगे बहुत ज़्यादा। देखो, खेती विरासत मिशन तो 2008 तो मूल अनाजा की गल कर रहा। असी 2008 दे विच पहला मेला लाया सी जिदे विच असी मिलेट्स की अलग अलग डिशिज़ बनाई सी। बाकी गल हैगी इनू सेहत नाल जोड़ के देखना, तो जदों लोकां दे विच एक तरह का डर बैठता है तो वह दवाइयां तो फिर जदों परेशान होंदे तो उन्होंने लगता है कि मिलेट्स एक सही रास्ता हैगा। पर जेड़े लोग ठीक भी हैगे हैं तो उन्होंने भी अपनी डाइट दे विच मिलेट्स वापस लेके आने चाहिए, क्योंकि मिलेट्स इन्ने हेल्दी ने, इन्ने पौष्टिक ने, और बनाने भी सौखे हैं। लोग थोड़ा बनाने दे वलों रहिंदे हैं कि इहदी प्लानिंग करनी पैंदी है, टाइम मैनेजमेंट करना पैंदा है, तो वह जे असी थोड़ा जा डिसिप्लिन दे नाल चलांगे तो वह चीज़ां मैनेज हो सकदियां ने। और मैनूं यकीन है, विश्वास है कि आने वाले समय दे विच मिलेट्स हर घर दे विच अपनी जगह लैणगे। जिस तरह ही पंजाब दे विच कणक झोने दी जिहड़ी ज़्यादातर किसान मकैनिकल फार्मिंग वाली जा रहे हैं ना, हत्थी काम करना बहुत किसान छड्ड चुके ने, पर जे आपां मिलेट की गल करिए इस दे विच काफ़ी जिहड़ी मेहनत हत्थां दे नाल हुंदी आ, अज तक मशीनरी जिहड़ी डिवेलप नहीं हुई। जिस तरह आपां कढ़ाई की गल करिए, इसकी बिजाई की गल करिए, तां कि अगे जा के मिलेट की खेती वड्डे पद्धर ते पंजाब दे किसान अपनाउणगे।
देखो मैनू लगता है कि ये सिर्फ किसानों की गल नहीं हैगी, पूरा एक इकोसिस्टम हैगा जिदे विच समाज है, जिदे विच कंज्यूमर है, जिदे विच साड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी है, साड़ी गवर्नमेंट भी हैगी है, राइट। तो अगर गवर्नमेंट की स्ट्रोंग पॉलिटिकल विल नहीं होएगी इस काम नू प्रमोट करन दे विच, ता असी छोटे छोटे इनिशिएटिव तो कर सकते हैं, जिवें खेती विरासत मिशन कर रहा है, मोना ग्रोवर जी कर रहे हैं, अमरजीत भैन जी कर रहे हैं पोतना तो, है ना, इस तरह के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। पर जे आपां इहनूं वड्डे पद्धर ते अपनाउण दी गल करिए तां मुश्किल तां जरूर होएगा। ते दूजी जिहड़ी तुसीं टैक्नीकल गल कीती कि इहदी मशीनरी डेवलप नहीं होई, इहदी हारवेस्टिंग दे लई अपने कोल चीज़ नहीं हैगी या सोइंग दे लई नहीं हैगी, मशीनरी किसने डेवलप करनी है? या तां एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ करनगियां, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स करनगे, ते ओह कदों करनगे? जदों गवर्नमेंट दा ओहदे विच इंट्रस्ट होएगा, राइट। तां गवर्नमेंट ता इहदे विच एक बहुत वड्डा रोल है, पर उहदे नाल नाल समाज का भी एक वड्डा रोल है, क्योंकि समाज अगर डिमांड करेगा कि सानू यह चाहिए ने तो चीज़ा तो अपने आप हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज तुसी इत्थे की जिहड़ा डिस्प्ले कर रहे हो, किन्ने किसान तुहाडे आए ने जां किन्ने जिहड़ियां डिशिज ने मिलेट दीआं? मिलेट दे साढ़े तीन फूड स्टॉल हैं जी, पहले तो लैके तीजे तक, और एक चौथा हैगा जिथे रेडी टू ईट आइटम्स हैं, रागी दे लड्डू हैं, तो तुसी उन्हां कोल जाके पूछ सकते हो कि उन्होंने किवें किवें बनाए हैं। पर मिलेट्स दे नाल की होएगा कि जिहड़ी एक तो मोनोकल्चर की खेती है पंजाब की, उहदे तो आपां नूं छुटकारा मिलेगा। दूजा जिहड़ा हर साल असी देखते हैं कि पराली एक बहुत वड्डी समस्या है, क्योंकि अजकल झोने की वह वरायटियाँ लगाई जा रही हैं जिदे विच पराली बहुत ज़्यादा होंदी है, जदों असी मिलेट्स लगावांगे तो पराली की समस्या भी नहीं होएगी, क्योंकि जिहड़ा मिलेट्स का रेजिड्यू हैगा वह पशुओं के लिए बहुत वधिया चारा है, एनिमल फीड हैगी है, तो यह विन विन सिचुएशन है, मतलब मनुख के लिए भी चंगा भोजन मिल जाएगा, पशुओं के लिए भी मिल जाएगा, ते नाल दी नाल कोई बर्निंग या कोई एनवायरनमेंट नू भी नुकसान नहीं होएगा। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी, मैं सरबजीत कौर, जिला फरीदकोट, खेती विरासत मिशन तो आई हाँ जी। असी इत्थे मिलट दी पकवान लेके आए हैं, मिलट दी टिक्की, मिलट दा सूप, ये दो चीज़ां। मिलट अपने शरीर दे लई बहुत बेनीफिट देने वाले ये अनाज हैं, ये अपने शरीर की सफाई करते हैं, तो असी इनू प्रमोट भी कर रहे हैं कि खेती विरासत मिशन मिलट नू इस साल दे विच पूरी तरह इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलट की तरह मनाएंगे और इनू प्रमोट कर रहे हैं, तो असी यही सोचते हैं कि अपनी डाइट दे विच मिलट नू जरूर शामिल किया जाए तो जो आप बीमारियों तो बच सके। हाँ जी, ये मिलट का सूप है जी, सूप दे विच दही मिक्स करके ये हरी कंगनी का मिलट है, हरी कंगनी का सूप बनाया है जी असी, तो ये सारे वेजिटेबल पाए है, तो इसनों दही दे नाल सर्व करके सबनों दे रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, ये भी कंगनी की टिक्की है जी, आ हरी कंगनी का मिलट है, ये कंगनी है जी, कंगनी मिलट की टिक्की है, बिच आलू मैश करके तो इसनों फिर असी स्वादिष्ट बना के ते सेहतमंद बना के ये असी सर्व करदे हां। हाँ जी, वधिया रिस्पोंस हैगा लोगों का, टिक्की का तो कुछ ज़्यादा है, सूप बारे हजे लोग इन्ने अवेयर नहीं है, पर जिन्हों ये बारे पता है वो कि खा रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये साडा विदाउट कैमिकल तो हुंदा, असी कोई भी प्रेजीवेटर जां कोई भी चीज़ ये बाहरली नहीं वरतते, साडी ये कोशिश हुंदी है भी हर चीज़ सानू ऑरगैनिक मिले तो असी ऑरगैनिक का ही बनाईए, तो साडे वेजिटेबल भी ऑरगैनिक है, तो सूप भी बिल्कुल ऑरगैनिक है, ये कुछ भी अरारोट नहीं पाया, कोई होर। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, मेरा नाम अमरजीत कौर है, जिला बरनाला, पिंड पोतना। असी 2006 तो ग्रुप के मैं काम कर रही हूँ, पहला मोटे अनाजा पर काम करते, जिमें कि जवार, बाजरा, मक्की ये करते, हूँ 2 साल तो असी मिलट पर काम कर रहे हैं, जिस तरह कोई भी चीज़ आप कहने भी बच्चे साढ़े खाते नहीं मोटे अनाज, वो असी वक् वक् रूप के बदल के जिमें मिलट के कुटकी के पकौड़े हो गए गोभी के, तो अपना आलू के कुटकी के पकौड़े बने हुए है, अपना साग मक्की की रोटी बनी है,
और साढ़े को अज कोदरे दे चावल बने हैंगे एवं बख बख चीज़ा असं ये बना लें हर छे तो कम करते हैं मोटे अनाजा तो मोटे अनाजा तो असं जिम्मे सारे बजुर्गों को मिल के पता किया पेल कि आप हेल्थी होंगे सी सारे कि वधिए आप कम करते तंदुरुस्ती सी उमें असी सब तो ज्ञान इकट्ठा करके सर्वे करके उन्होंने दसिया कि असी पहला आए चीज़ा खाते सी जिमें बच्चे अपना पीज़ा पसंद करते हैं तो असी वो बाजरे का बेस लाने लग गए जानी उन्होंने अपना मैदे को हटा के वरायटी बना दें असी 2006 तो शुरू किया हूँ तक असी 2 साल तो असी मिल्ट से कम कर रहे हैं तो ये किसी भी तरह की अपन कोई बीमारी हैगी तो सारिया ही बीमारियों का ये हल है जी आप सही तरीके दे नाल अपनाने हैं तो डेली दे विच आपां ना ज़्यादा एक टाइम तो जरूरी है अपन खाना जे सही तरीके सारे करते तो सारिया ही प्रॉब्लम ठीक होंगे सही तरीका कोदरा जी खाने का तरीका तो देखो जे आप जिम्मे मोटापा घटा गा उन सिर्फ आप रात को भ्यौ देना गा भ्यौ के उन्होंने कुजे उबाल लो उबाल के आप कोई भी सब्जी अपने घर के बनी है आप उस तरह भी खा सकते हैं जो आप थोड़ा जहा लगता स्वाद ना करना तो वो आप जीरे का तड़का भी लगा सकते हैं गे दही नाल भी खा सकते हैं वधिया तरीके है जाने की खाने के भी तो वक् वक् तरीकों के नाल आप खा सकते ये काफ़ी लुधियाने के यूज भी करते तो वह खड़ते हैं जिमें हूँ पहला इतने घर के किसी वरतती है लेडीज आई वो कहें कि शाम को मैं पैकिंग करा के लेके जाऊँगी जिन्होंने मिल्ट बारे पता है वो तो बहुत ज़्यादा जाने कि आके खड़ते ही है इस तरह के भी ये खाना वधिया है भावें उधर लंगर लगे है पर जिन्हों मिल्ट की परख है पर वो हर एक टेस्ट करके जा जी दे सकते हैं। हाँ जी मेरा नाम अमरजीत कौर है जिला बरनाला पिंड पोतना। थैंक यू। सामने देखो जी जी मैं अनु गुप्ता नैचुरल हट जगराऊं तो खेती विरासत मिशन दे सहयोग दे नाल असी यह प्रोग्राम इत्थे अटेंड कर रहे हैं ते इस दे विच मैं मिलेट स्टाल लगाई है अपनी मिलेट फूड दी ते मैं लेके आई हाँ अपने मिलेट मंचूरियन यह ब्राउन टॉप मिलेट तो बने हुए हैं ब्राउन टॉप मिलेट दे मंचूरियन विद ग्रेवी ठीक है। हाँ जी बेस ब्राउन क्योंकि डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक दिन च एक ही मिलट खाना चाहिए इस करके असी दोनों आइटम्स का एक सेम बेस रखे तो यह है मिलट कटलेट्स विद ग्रीन चटनी एंड रेड सॉस ठीक है तो वह हर्बल टी है साढ़े को असी जगराऊं नैचुरल हट तो आए हैं सामने मैं 4 साल तो कर रही हूँ वैसे असी स्टार्ट किया जो डॉक्टर खादर वाली जी पंजाब आए थे इत्थे बद्दोवाल ITI कॉलेज के उदों लॉकडाउन तो पहला ते उस तो उस समय सानू भी नहीं सी पता कि मिलट की चीज़ हुंदे आ ते जदों उस तो बाद स्टार्ट किया पहला तो मैं खुद ठीक हुई मैनू भी बहुत सारिया प्रॉब्लम सी ते मेरिया प्रॉब्लम्स टेस्ट विच भी डायग्नोज नहीं हो रही सी फिर वह सेहत खराब हुंदी जा रही सी पहला मैं खुद खाधा सेहत नू ठीक किया हुण मैं तुहाडे सामने खड़ी हाँ हाँ जी हाँ जी इस मैं सारे मिलट सी क्योंकि हरेक मिलट है जिहड़ा वो अलग अलग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ब्रेन सिस्टम सारिआं नूं अलग अलग क्लीन अप करदा है ते सारे बॉडी दी जरूरत है तो आपां नूं सारे ही मिलट से खाने जरूरी है इस करके ये नहीं है कि आपां एक मिलट यूज़ करिए ते दूसरे छड़ दिए ते इस करके पहला तो ये है कि बस एक अद्धे मिलट नाल आपां टेस्ट लई स्टार्ट कर सकते हैं ते पर बाद विच आपां नूं सारे ही रेगुलर करने चाहिए आ। हाँ जी हाँ जी सानू मंचूरियन वध रिस्पोंस मिल रहा क्योंकि बच्चे स्नैक्स ही खाना पसंद करते कॉलेज आ तो यंग यूथ है जिहड़ी वह स्नैक्स ही पसंद करती तो बट अजकल दे स्नैक्स दे विच सब किते मैदा ही यूज़ किया जाता
ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣਾਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ। ਫਿੱਟ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀਆਂ, ਡੋਸਾ, ਇਡਲੀ, ਢੋਕਲਾ, ਲੱਡੂ, ਪਿੰਨੀ, ਪਰੌਂਠੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੱਟ ਸ਼ੋਪ ਆ ਅਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਲਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਔਨਲਾਈਨ ਕੁਕਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ, ਉਹ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮਿਲਟ ਫੂਡੀਜ਼, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲਟਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡੋ ਮਿਲਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਦਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਰਾਊਨ ਟੋਪ ਮਿਲਟ ਬੈਸਟ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਵੀਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਸ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਟਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟ, ਲਿਟਲ ਮਿਲਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਆ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਸ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੀਟਿੰਗ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਟ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੂਸਿਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਫਾਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੱਟ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਾਨੀ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਗੁਪਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੱਟ ਜਗਰਾਉਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਸੇਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ, ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ, ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਕੁਹਾਏ 2-4 ਦਿਨ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਖਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਖਾਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਖਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਈਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਮਕਸਦ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।